तो अत्यारे चूंटणीना गणतरीना ज महिनाओ बाकी रह्या छे, त्यारे चूंटणी बे महिनानी वात छे। त्यारे गुजरात ने टार्गेट करीने राखेली आम आदमी पार्टी ना अरविंद केजरीवाल अने मनीष सिसोदिया युवानोनी समस्याओ तो सांभळी हती, परंतु साथे साथे सरकार मां नौकरी करता जीआईएसएफ ना जवानो पोतानी समस्या कही गुजरात सरकार नो विरोध कर्यो हतो। तो गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेमी गवर्नमेंट यूनिट छे, जेना जवानो सरकारी स्थळो पर सिक्योरिटी नी फरज बजावे छे। ज्यारे केजरीवाले करेल सभा मां जीआईएसएफ ना जवानो वर्दी पहेरीने आव्या हता अने केजरीवाल समक्ष पोतानी समस्या कही जणावायु हतु के अमारा पगार धोरण मां कोई वधारो थयो नथी। जीआईएसएफ ना गार्ड मावजीभाई सरवैयाए कह्युं हतुं के हुं छेल्ला 25 वर्ष थी नौकरी करूं छुं, पहेला मने 7000 पगार मां मळतो हतो, ज्यारे हवे 11000 पगार मळे छे। आ मोંઘવારી मां आटला पगार मां अमारा घर नुं गुजरान केम चलावुं, ज्यारे महाराष्ट्र सरकार नुं एमआईएसएफ यूनिट छे तेने जवानोनो पगार 36000 છે, તો ગુજરાત સરકાર કેમ ઓછો પગાર રાખે છે? માવજીભાઈએ સાથે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે મને ખબર છે કે આવું કહેવા પછી મારી નોકરી જતી રહેશે અથવા મારા પર કડક પગલાં લેવામાં આવશે, પરંતુ મને એનો કોઈ જ ડર નથી। જ્યારે ગુજરાત સરકાર મને ભલે ફાંસી ચડાવી દે, પરંતુ અમને પગાર વધારો મળવો જ જોઈએ। 1700 ફિક્સ થાય, ગુજરાત સરકારને ઉસે વિયથ બનાવી હતી 2002 में। जो गृह मंत्री है, गृह सचिव है, उसने निकाला था पत्र कि जीएफओ अभी पगार कितना मिल रहा है, 11000। 11000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीबी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। हम महाराष्ट्र सरकार ने जो बनाया एमआईएसएफ, उसमें जीएसएफ महाराष्ट्र का जो गार्ड है एमआईएसएफ, जीएसएफ सी पैटर्न से बना। पहले जीएसएफ 97 में बना, 2003 में एमआईएसएफ बना। उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पगार मिलता है 37500, हमको पगार मिलता है 37000। और यहाँ जो है कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा, जिसने जिस डॉक्टर ने बताया इनलीगल है, डॉक्टर ने बताया अनफिट है, अनफिट है, फिर भी हमारी ऑफिस ने उसको ऑर्डर दिया। वो युवराज भाई को सभी हमने जो भ्रष्टाचार है वो युवराज भाई को दिया है। हमारी विनती है आपकी सरकार आए, हम सरकार में है 25 साल से, गुजरात की विधानसभा, गुजरात आरटीओ, गुजरात आप आपका जो मंदिर है, जीएम भी, सभी जगह गुजरात का कुछ सोचो, हमको कहीं नहीं बनाओ सिद्धार्थ गोगारी साथ लाइव 24 न्यूज़ भावनगर।